चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस ने जताया अंदेशा, भाजपा कभी भी कर सकती है ईवीएम में हेराफेरी। जी हां, आगामी 23 मई को जैसे ही लोकसभा के परिणाम घोषित होने हैं, वैसे ही राजनीतिक दलों द्वारा दांव पेच भी चलाए जा रहे हैं। वहीं चंडीगढ़ की बात करें तो प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव आयोग से अपील की थी कि उनके कार्यकर्ता ईवीएम के सुरक्षा इंतजामों में सहयोगी बनना चाहते हैं, और जहां ईवीएम सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बाद सीसीटीवी में रखी गई है, वहीं कांग्रेस ने भी सामने अपना डेरा डाल लिया है। और कांग्रेस को ये डर सताया जा रहा है कहीं भाजपा ईवीएम से कोई छेड़खानी न करवा दे। सर, मेरा नाम आशीष गजनवी है, मैं प्रदेश महासचिव हूँ युवा कांग्रेस चंडीगढ़ से। जिस तरह से मोदी सरकार के में जिस तरह से ईवीएम में आपको समझ सकते हैं आप कि ईवीएम में गड़बड़ी पूरे देश के बीच में आ रही है नजर आ रही है, इसी तरह चंडीगढ़ कांग्रेस और यूथ कांग्रेस एनएसयू और महिला कांग्रेस 3 दिन से हम लोग जो जहाँ पर है पॉलिटेक्निकल कॉलेज के सामने जहाँ पर हमारी वोटिंग हुई है, हम यहाँ पर दावेदार करके बैठे हैं, हम लोग यहाँ पर दावेदारी करने बैठे हैं और देखना चाह रहे हैं, हमारी हर एक गाड़ी को चेक करवा रहे हैं कि हमारी कोई भी कोई गड़बड़ी ना हो जाए, क्योंकि जन जन की पुकार यही थी कि एक बार कांग्रेस की सरकार बने, पवन बंसल जी चंडीगढ़ से जीते, हर बच्चे के मुंह पर पवन बंसल जी का जो है वो नाम है। इस करके हम लोग यहाँ पर आज भी कांग्रेस बड़ी कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, वो यहाँ बैठे हैं, दिन रात बैठते रहते हैं और इसी माध्यम से हम लोग जो है आपके माध्यम से जो है बताना चाहते हैं कि पहली बार देश में 70 साल के जो पहला इतिहास में ऐसा हो रहा है कि ईवीएम जो है ईवीएम की रखवाली करनी पड़ रही है सरकार, क्योंकि मोदी जी ने कहता हूँ माहौल क्रिएट कर दिया है यहाँ पर, क्योंकि विश्वास सा नहीं होता है, क्योंकि इनके ये ईवीएम में गड़बड़ी कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया पिछले 5 वर्षों में कि लोग जो है इनको वोट डालें। जी बिल्कुल, मैं गांव दड़वा की बात है कि कुछ मतदाता जो थे ऐसे थे जो वोट डाल पाने जा रहे थे, पर जब अंदर से आया कि भाई वो पहले ही मतदान कर चुके हैं, तो ये केस देखने को मिला है। उन्होंने कहीं शिकायत वगैरह नहीं की कि हाँ भाई हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, वो करी थी, उन्होंने उनसे बात भी करनी चाहिए थी अंदर भी, हाँ, पर वो इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ यही बात कही कि हाँ भाई ये मतदान जो है वो पड़ चुका है। तो इस बार चंडीगढ़ में आपको लग रहा है कि पवन बिल्कुल 200% पवन बंसल जी जीतेंगे, बड़े अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, 1 लाख+ वोटों से जीतेंगे बंसल साहब, क्योंकि बंसल साहब ने जो काम किए हैं वो मैडम किरण खेर ने सोचा भी नहीं है उसका, और वो पिछले जो पांच साल में चंडीगढ़ जो हमारा सिटी ब्यूटीफुल होता था उसको 1 नंबर से 20वें नंबर पर सफाई पर लिया है, 67वें पर रैंक पे लिया है, तो लोगों को जो है यहाँ चंडीगढ़ के लोग हैं जो उजागर हो गए थे और मैडम किरण खेर को उन्होंने पूरी तरह इग्नोर किया। तो यूथ के लिए सबसे बड़ी बात है, जो आज का यूथ है वो बेरोजगार है, रोजगार की कमी है, सबसे बड़ी बात है। कांग्रेस पार्टी पवन बंसल जी यहाँ पे रोजगार के मुद्दे पे, युवाओं के लिए रोजगार लाने के मुद्दों पर जो है चुनाव लड़ा है, और यहाँ के जो विकास जो रह गए थे बंसल जी के होते, यहाँ बहुत विकास हुआ है, पर जो पिछले 5 साल में मैडम किरण खेर थी वो विकास जो है वो जो विकास की जो गति थी वो थम गई थी, और मुझे पूरा भरोसा है कि पवन बंसल जी 1 लाख वोटों से मार्जिन से जीत कर आएंगे और जो काम उनके हैं उनको वो पूरा करेंगे। आरटीआई सेल का मैं चेयरमैन हूँ चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस का। देखिए, जो आजकल हम वीडियो वायरल जो हुए हैं वो देख रहे हैं, जैसे झांसी के अंदर हुआ है कि वहाँ पे भी मशीन काफ़ी टाइम लेके जाने की कोशिश की गई, फरीदाबाद में हुआ, फतेहाबाद से भी कुछ खबरें आई, और पंजाब में भी कुछ खबर आई थी कि पंजाब में भी कुछ ऐसी हरकत हो रही है, तो ये एक डाउट, बहुत सीवियर डाउट क्रिएट कर दिया है। और जो हमारे जो इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर हैं उन्होंने ये कह दिया कि जी वो मशीनें वो थी जो प्रोटेक्शन के लिए रखी गई थी, एक्स्ट्रा मशीन जो रखी हुई गई थी ताकि अगर कहीं मशीन गड़बड़ होगी तो वो यूज होंगी। तो आपको मैं वही बता रहा हूँ कि अगर वो मशीनें, वो वाली मशीनें थी जो एक्स्ट्रा रखी गई थी कि कल को कहीं मशीनों में गड़बड़ होती है तो इनको यूज किया जा सकता है, लेकिन वो उसी वजह से लेके जाई जा सकती है अगर कहीं से उनको कोई खबर ऐसी आई हो या उनके पास कोई किसी ने कंप्लेंट की हो कि वहां पे फलाने पोलिंग बूथ में मशीन नहीं चल रही, उस कंडीशन में सिर्फ स्ट्रांग रूम से मशीन बाहर जाएगी। लेकिन ये तो पूरा ट्रक भर के जा रहा है मशीनों का, ये क्लियर कट शक पैदा कर दिया है इन्होंने कि ये ऐसी हरकत कर सकते हैं, ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं कि ये कुछ भी अपना जो है लोकतंत्र को तोड़ने की कार्य कर सकते हैं। इसीलिए 3 दिनों से आप यहाँ पे मुस्कुराए, हम 3 दिन से यहाँ सुबह से लेके रात तक और रात से लेके सुबह तक, मतलब 24/7 हम लोग यहाँ पर हैं, हमने अपनी ड्यूटीज डिवाइड की हुई हैं 4-4 घंटे के बाद,
कुछ व्यक्ति हमारे खाना भोजन वगैरह भी लेके यहीं पे आ रहे हैं ताकि यहाँ से कोई अगर इधर से उधर भी हुए तो इन ये कुछ भी कर सकते हैं। तो आप पर्सनली भी हर एक गाड़ियों को चेक कर रहे हो सर? यस, इसमें जो भी कार्यकर्ता, अगर हमारे चार कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं तो चार में से कोई एक बंदा या दो बंदे जाकर मशीन को, अगर कोई गाड़ी आती है उसको चेक करते हैं। कल सुबह भी एक बहुत बड़ी गाड़ी आई थी जो पूरा लॉक थी, लेकिन हमारे को उस पर शक था कि शायद इसके अंदर कहीं ईवीएम और दूसरी वीवीपैट मशीन ना हो, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने इमीडिएटली उसको ट्रक को रोक के पुलिस वालों से रिक्वेस्ट की कि हमें ये चेक करवानी है, तो उन्होंने भी पूरा हमारा साथ दिया। पुलिस प्रशासन आपका साथ दे रहा है? बिल्कुल साथ दे रहा है पुलिस प्रशासन, बल्कि हमें ये कह रहा है कि एक और एक गहरा होते हैं तो उसकी वजह से वो हमारी हेल्प भी कर रहे हैं, तो हम मिलजुल के कर रहे हैं। अब इसका इधर सीसीटीवी का दूसरा गेट भी है, वहां पर भी हमारे कार्यकर्ता जो है पैदल जाकर चेक करते हैं क्योंकि उधर से भी एंट्री है दूसरी सीसीटीवी की, तो हमें उस चीज पे भी शक है कि शायद उधर से ना ले जाए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि उधर से भी जा सकता है, तो हमें जैसे कोई बड़ी गाड़ी या कोई वैसे व्हीकल दिखती है कि कोई ऐसे हो सकता है तो इमीडिएटली हमारे बंदे वहां पर चले जाते हैं यहां से उठकर कि वहां पे जाके भी टाइम टू टाइम जाके हम चेक कर रहे हैं। अर्थ प्रकाश के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन चंद्र प्रकाश के साथ मनदीप गौतम की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।